जय हिंद वंदे मातरम साथियों। हरियाणा के रोहतक जिले के गांव बोहर निवासी सीआरपीएफ के जवान शहीद सतपाल सिंह का पार्थिव शरीर कल देर शाम उनके पैतृक गांव पहुंचा। शहीद की वीरांगना को आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, किस प्रकार से शहीद के पार्थिव के सामने सैल्यूट कर उन्हें अंतिम विदाई दे रही है। रीति रिवाज के अनुसार शहीद की पत्नी वीरांगना शहीद के पार्थिव को नतमस्तक होकर सलाम कर रही है। माँ भारती के लाल ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहादत दी है। रीति रिवाज के अनुसार शहादत आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनके अंतिम विदाई दी जा रही है। शहीद की वीरांगना के हाथों की चूड़ियां शहीद के पार्थिव पर रखी जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं सेना की पूरी टुकड़ी साथ में मौजूद है। सीआरपीएफ बल पूरा तैनात किया गया है माँ भारती के लाल को अंतिम विदाई देने के लिए। एक IED ब्लास्ट में हरियाणा का लाल वीरगति को प्राप्त हुआ है। कल देर शाम सीआरपीएफ के विशेष वाहन से उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा है। माँ भारती के लाल ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में वीरगति को प्राप्त किया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं भारत माता के जयकारे जो है आसमान को गुंजायमान कर रहे हैं। सतपाल सिंह अमर रहे के नारे यहाँ पे लग रहे हैं। दुखद तस्वीरें हैं। वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें। तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर देख हर किसी की आंखें नम हो गई। देख सकते हो आप सीआरपीएफ के जवान शहीद के पार्थिव को अंतिम दर्शन के लिए ले आए हैं। तत्पश्चात सीआरपीएफ की टुकड़ी की ओर से इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद में शमशान घाट ले जाकर शहीद के पार्थिव को पंच तत्व में विलीन किया जाएगा। देर शाम पार्थिव शरीर पहुँचते ही हर किसी की आँखें नम हो गई। माँ भारती के लाल सतपाल सिंह जी की उम्र मात्र 27 वर्ष बताई जा रही है। उनके एक 6 वर्ष का मासूम बेटा भी है। वहीं शहीद पत्नी मेनका का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। माँ भारती के लाल ने अदम्य साहस का परिचय करवाते हुए जय हिंद।